आइए केमिस्ट्री एकेडमी में वेलकम व्यूवर्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है आयोनाइजेशन एनर्जी। बेसिक कॉन्सेप्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का हम आज इंट्रोड्यूस करेंगे आपके सामने। व्यूवर्स, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, डेफिनेशन हमें पता होना चाहिए। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैशियस एटम। व्यूवर, ये इसकी कंडीशन है कि कोई भी एटम जो है वो अपनी गैसियस स्टेट में होना चाहिए, आइसोलेटेड गैसियस स्टेट में, कि इंडिविजुअली एग्जिस्ट करता हो। फिर जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए, उसे हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। तो एग्जांपल में व्यूवर्स हम देखते हैं, सोडियम हमारे पास एक एटम है, गैसियस स्टेट में है ये। इलेक्ट्रॉन जब इसमें से हम रिमूव करवाएंगे वैलेंस शेल में से, मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन ऑलवेज होते हैं वैलेंस शेल में, तो इसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है व्यूवर्स वो है हमारे पास 496 किलोजोल पर मोल। किलोजोल पर मोल इसका यूनिट है एनर्जी का जो हम यहाँ पे यूज करते हैं। व्यूवर्स, सोडियम में हमारे पास ये सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम शेल लेवल पे देखें तो फर्स्ट शेल में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड में 8 और थर्ड में 1। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है सोडियम की। तो व्यूवर, इसमें वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल का रिमूव करने के लिए इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी और ये पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होगा। इसी तरह दूसरी एग्जांपल व्यूवर्स हम देखते हैं मैग्नीशियम की। अब मैग्नीशियम की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो इसके फर्स्ट शेल में 2, सेकेंड में 8 और थर्ड में फिर 2, यानी टोटल इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 12। तो सेकेंड शेल में इसके हैं, लास्ट शेल में वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन जो कि लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जब हम रिमूव करेंगे इसमें से तो मोनो पॉजिटिव आयन बनेगा मैग्नीशियम का, और इसके लिए हमें एनर्जी जो रिक्वायर्ड होगी वो है 738 किलोजोल पर मोल। तो व्यूवर, ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है मैग्नीशियम के केस में। इसी तरह सेकेंड इलेक्ट्रॉन इसी मोनो पॉजिटिव आयन, अब इसकी अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखें तो हमारे पास है 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में, 8 सेकेंड में और 1 इलेक्ट्रॉन है लास्ट शेल में यानी थर्ड शेल में, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसका हम ऑलरेडी रिमूव कर चुके हैं जो कि 738 एनर्जी रिक्वायर्ड थी। अब व्यूवर्स, इस सेकेंड इलेक्ट्रॉन को मोनो पॉजिटिव आयन से रिमूव करने के लिए ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है हमें, यानी ये 1450 किलोजोल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड है। अब व्यूवर, ये सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी है मैग्नीशियम की, फर्स्ट और फिर सेकेंड। अब सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हमें रिक्वायर्ड होती है, क्यों, इसकी वजह क्या है। अब व्यूवर्स, अगर हम देखें तो मोनो पॉजिटिव आयन के केस में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर गया इसका, जिसकी वजह से एटॉमिक साइज इसी मोनो पॉजिटिव आयन का डिक्रीज कर गया, यानी साइज रिड्यूस हो गया है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर गई है, जिससे साइज रिड्यूस हुआ है, फोर्स ज्यादा हुई है और हमें ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए मोनो पॉजिटिव आयन में से। तो ये व्यूवर्स सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। हम इसका इस तरह भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर एन एटम इज ऑलवेज ग्रेटर देन दैट ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जस्टिफाइड। तो जस्टिफिकेशन इसकी क्या है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है, इसलिए सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है हमेशा। तो व्यूवर्स, फिर इसका हम देखते हैं ट्रेंड क्या है पीरियोडिक टेबल में। पीरियोडिक टेबल में जैसे ऑलरेडी हम आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में बता चुके हैं कि दो पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है, ग्रुप्स और पीरियड्स। ग्रुप्स में व्यूवर्स हम मूव करते हैं ऑलवेज टॉप टू बॉटम। तो जब भी हम किसी भी स्पेसिफिक ग्रुप में टॉप से बॉटम की तरफ मूव करते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू डिक्रीज करती है। क्यों डिक्रीज करती है, इसकी रीजन क्या है, क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करते हैं और शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज करता है। व्यूवर, ये इसकी मेन तीन रीजन है जिसकी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रुप में डिक्रीज करती है। इसकी एक सिंपल सी एग्जाम्पल हमने ली है, ये ग्रुप 1 है हमारे पास अल्कली मेटल्स का, लिथियम सोडियम पोटाशियम रुबीडियम सीजियम, ये इनकी व्यूअर्स आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू लिखी हुई है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। जैसे ही हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू जो है वो डिक्रीज करती है। व्यूअर्स, क्यों डिक्रीज करती है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं
कि इसमें नंबर ऑफ शेल कितनी है, 2, 3 इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट में, 2 सेकेंड में, 1 सोडियम है, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसमें नंबर ऑफ शेल कितनी है, 3। ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं हम कि फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड में 8 और थर्ड में 1। इसी तरह व्यूवर्स जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम मूव करते जाएंगे, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करते जाएंगे, जिसकी वजह से साइज इंक्रीज करेगा, शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज करेगा और आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू डिक्रीज करेगी। सिमिलरली व्यूवर्स पीरियड में जब हम ट्रेंड इसका देखते हैं तो पीरियड में मूव किया जाता है लेफ्ट टू राइट। तो पीरियड में, इन एनी पीरियड व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। अब व्यूवर्स इंक्रीज क्यों करती है, जब हम पीरियड में मूव करते हैं लेफ्ट से राइट तो एटॉमिक नंबर 1 यूनिट फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट इंक्रीज करता है। इसकी वजह से क्या होता है कि नंबर ऑफ शेल तो सेम है मगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद इन द सेम शेल इंक्रीज करते हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करते हैं तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी इंक्रीज करते हैं। अब प्रोटॉन के इंक्रीज होने को हम कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को ज्यादा फोर्स के साथ अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से साइज रिड्यूस होगा और आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू इंक्रीज करेगी। व्यूअर ये हमने सिंपल सी एग्जांपल यहाँ पे लिखी हुई है सेकंड पीरियड की, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन वगैरह। तो इनकी ये आयनाइजेशन एनर्जी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू इंक्रीज करती है। तो व्यूअर ये इसकी रीजन थी कि पीरियड में किस तरह आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू इंक्रीज करती है, क्योंकि एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है। आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह हम आयनाइजेशन एनर्जी उसको डिफाइन कर सकते हैं और उसके ट्रेंड को एक्सप्लेन कर सकते हैं। व्यूअर्स फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें ऑनलाइन कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वॉच करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल आईए केमिस्ट्री अकेडमी को सब्सक्राइब करें, ताकि हम इसी तरह नए नए लेक्चर और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते रहें। अल्लाह हाफिज़।